सीडीओ इंद्रजीत सिंह का रविवार को लखनऊ नगर आयुक्त के पद पर तबादला हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 31 जुलाई 2020 को बतौर सीडीओ के रूप में गोरखपुर में ज्वाइन किया था। तब से लेकर अभी तक जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और नागरिकों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसमें गोरखपुर के नागरिकों का सेवा करने का अवसर मिला। उस समय मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके वजह से मुझे विकास कार्यों को करने में सहूलियत मिली। उन्होंने कहा, नागरिकों की समस्याओं को हमेशा हल करने का प्रयास किया। इसके अलावा IGRS व चौपाल में आई शिकायतों का निस्तारण किया गया। शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलते थे, उसका 100% पालन करवाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, गोरखपुर में सीडीओ रहते हुए किस तरह का अनुभव रहा आपका, कितना लोगों का सहयोग रहा, क्या नाम है? गोरखपुर में सीडीओ रहते हुए मुझे सारे माननीय जनप्रतिनिधियों का और सारे हमारे कर्मचारियों का और नागरिकों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। और इसके साथ साथ यहाँ पे उस समय दो कोविड की वेव भी थी, उसमें भी सेवा का मौका मिला। और यहाँ पे इलेक्शन भी हुए दो बार, लेकिन हर किसी में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं बहुत ही स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा सारे गोरखपुर के वासियों को, जिन्होंने ये ऐसा मौका मुझे दिया। और इसके साथ अभी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसके लिए अभी मैं रिलीव होकर वहाँ ज्वाइन करूँ। नागरिकों का ऐसा था कि सब लोग अपना फीडबैक और जो कंप्लेंट हमारा सिस्टम है, उसमें जो भी हमें फीडबैक आता था, हम उससे अपने आप को कोर्स करेक्शन हमने किया। रेगुलर जो IGRS पे कंप्लेंट्स आती है, या रेगुलर जो वन ऑन वन मीटिंग में डेली जो लोगों से संवाद होता था उसमें, और जो चौपाल थी, सब में लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और बहुत अच्छे इनपुट्स मिले हमें। कई जगह जितने टारगेट्स थे उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स हमें मिली। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सुखद एहसास रहा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।